नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल अगेन टू आवर चैनल एंड टू द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड टू द पॉइंट लेक्चर सीरीज ऑन एनवायरनमेंट। इन दिस लेक्चर वी विल बी गोइंग टू टॉक अबाउट सॉलिड वेस्ट। इस लेक्चर को खत्म करने के बाद आप क्या क्या चीजें सीख लोगे, मैं सबसे पहले आपको ये बताता हूँ। दोस्तों हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले बेसिक से, हम देखेंगे वेस्ट क्या होता है, फिर हम क्लासिफिकेशन पे चलेंगे वेस्ट के, फिर मैं आपको ओईसीडी की डेफिनेशन से, करंट स्टैटिस्टिक्स से डील करवाऊंगा कि आज की तारीख में हम कितना वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितना वेस्ट जो है बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये सब पे बातें करेंगे। फिर हम सॉलिड वेस्ट का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, इसके बाद हम ई वेस्ट, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक वेस्ट के बारे में बात करेंगे, सॉलिड वेस्ट और इससे जुड़े हुए पॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। मैं आपको एक वीडियो रेफर करके बताऊंगा दिल्ली का, वहां पे गाजीपुर जो एक जगह है जो पॉल्यूशन के लिए और वेस्ट के लिए बहुत फेमस है, मैं वो बताऊंगा, उससे होने वाले इफेक्ट बताऊंगा। और साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सॉलिड वेस्ट का यूपीएससी पर्सपेक्टिव और किसी भी एग्जाम से सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो है इसके ट्रीटमेंट और डिस्पोजल। बिकॉज एवरीबडी कंप्लेन्स बट नोबडी नोज द सॉल्यूशन। यूपीएससी डिमांड्स द सॉल्यूशन फ्रॉम योर साइड एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, यू मस्ट नो हाउ सॉलिड वेस्ट मस्ट बी ट्रीटेड। तो मैं आपको बहुत सारे पिक्टोरियल ग्राफ के थ्रू यहाँ पे बताऊंगा कि कितनी तरीके से, जैसे वर्मी कल्चर, जैसे पायरोलिसिस, ओपन डर्म्स, लैंडफिल्स, इन सब मुद्दों पे हम लेक्चर खत्म करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं कि वेस्ट क्या होता है। वेस्ट ऐसा कोई भी मटेरियल जिसकी यूजफुलनेस अब खत्म हो चुकी है, अब यूजफुल नहीं है, और कोई भी इकोनॉमिक वैल्यू जो उसका ओनर था उसके लिए वो वेस्ट, वो मटेरियल नहीं रखता। वेस्ट का क्लासिफिकेशन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फिजिकल स्टेट, जैसे या तो वो सॉलिड होगा, या तो वो लिक्विड होगा, या फिर इट माइट बी गैशेस, इन गैशेस फॉर्म। सॉलिड वेस्ट को, क्योंकि हमारा जो मुद्दा है इस लेक्चर का वो है पढ़ना सॉलिड वेस्ट, तो हम लिक्विड और गैसियस फॉर्म की अभी बात नहीं करेंगे, ये हम नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। सॉलिड वेस्ट में अगेन कैटेगराइजेशन होता है, जिसको बोला जाता है सबसे पहला कैटेगराइजेशन म्यूनिसिपल वेस्ट, सेकेंड वन इज द हजार्डस वेस्ट, एंड थर्ड वन इज द मेडिकल वेस्ट, एंड फोर्थ वन इज द रेडियो एक्टिव वेस्ट। अब दोस्तों अगर आपने इसमें ध्यान दिया हो तो आपको सॉलिड वेस्ट पढ़ते टाइम एक चीज समझ में आनी चाहिए, दैट इट डज नॉट इंक्लूड सॉलिड और डिजॉल्व मटेरियल्स इन डोमेस्टिक सीवेज। यहाँ पे डोमेस्टिक सीवेज को इंक्लूड नहीं किया गया है। इसी के साथ साथ इसमें इरिगेशन रिटर्न फ्लो, जिसको कि इंडस्ट्रियल डिस्चार्जेस के नाम से भी हम जानते हैं, वो इंक्लूड नहीं किए गए हैं। इसके बाद में क्लासिफिकेशन मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिया है कि म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट क्या होता है। बेसिकली दोस्तों म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट में आप ऐसा समझ सकते हो कि जो हमारे यहाँ पे गार्बेज, जो हमारे यहाँ पे ट्रैश निकलता है, ये नॉन हजार्डस डिस्पोजेबल मटेरियल्स होते हैं, जो कि कौन जनरेट करता है, ये जनरेट किया जाता है हाउस होल्ड, कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज के थ्रू। एंड ऑफकोर्स इट इज मेड अप ऑफ वेस्ट, ऑर्गेनिक्स एंड रिसाइकल मटेरियल्स, जो इसको कि हैंडल कौन करती है, हमारी म्यूनिसिपैलिटी। अब सॉलिड वेस्ट पढ़ लिया, अब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ लेते हैं, ये मैनेजमेंट क्या होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉपरेशन डेवलपमेंट, ओईसीडी की डेफिनेशन देखते हैं, नाम याद रखना जरूरी नहीं है, बेसिकली डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सॉलिड वेस्ट का मेंस में क्वेश्चन आता है तो यू हैव टू स्टार्ट विद दिस डेफिनेशन, द सुपरवाइज्ड हैंडलिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल। मतलब कि किसकी हैंडलिंग करोगे, वेस्ट मटेरियल की, किसी के सुपरविजन में, और कैसे, फ्रॉम जनरेशन एट द सोर्स थ्रू द रिकवरी प्रोसेस टू डिस्पोजल। मतलब मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेके बताता हूं। देखो अभी हमारी गवर्नमेंट करेंटली ये काम करने की कोशिश कर भी रही है, जैसे हम जो हार्डवेयर यूज करते हैं, मान लो आप कीवर्ड यूज कर रहे हो, इस कीवर्ड में आपके मॉनिटर में, आपके पीसी में बहुत से एलिमेंट्स होते हैं, बहुत से केमिकल कंपोजिशन होते हैं, जैसे कैडमियम हो गया, जैसे लेड हो गया। अब ये क्या होता है दोस्तों, बहुत हार्मफुल होते हैं। तो बेसिकली हमारी गवर्नमेंट क्या चाह रही है कि इसके सोर्स पे, मतलब कंपनी ने जब कीवर्ड कीबोर्ड निकाला, यही कंपनी बाद में कीबोर्ड वापस ले और उसको रिसाइकल करे। तो बेसिकली हम क्या करना चाह रहे हैं, सुपरविजन हैंडलिंग करना चाह रहे हैं, सुपरवाइज्ड हैंडलिंग करना चाह रहे हैं वेस्ट मटेरियल की, उसके जनरेशन से उसके डिस्पोजल तक। तो ये हमने समझ ली, ये उसकी डेफिनेशन होती है। प्रेजेंट सिनारियो के बात करते हैं, डर जाओगे प्रेजेंट सिनारियो सुन के। देखो टोटल वेस्ट जनरेटेड एनुअली साल भर की अगर बात करें तो वी जनरेट 62 मिलियन टन वेस्ट, जिसमें कि प्लास्टिक होता है 5.6 मिलियन टन। देखो दोस्त, दिस इज हाउ ह्यूमंस मेड डिजास्टर फॉर देमसेल्व्स। प्लास्टिक्स आर कंसिडर्ड टू बी वंडरफुल इनफ इन्वेंशन ऑफ द 20th सेंचुरी, बट राइट नाउ इट हैज बिकम हैवॉक एंड पर्टिकुलरली फॉर द एनवायरमेंटल हजार्ड। क्यों? थ्रो अवे कल्चर। इसी के बाद में बात करते हैं बायोमेडिकल वेस्ट की। वी प्रोड्यूस 0.17 मिलियन टन ऑफ
बायोमेडिकल वेस्ट, हजार्डस वेस्ट की बात करते हैं 7.9 मिलियन टन, ई वेस्ट की बात करते हैं 15 लाख टन। तो प्रेजेंट सिनारियो क्या है इसके मैनेजमेंट का? अब इस 62 मिलियन टन में से जो हम कलेक्ट करते हैं वो है 43 मिलियन टन, मतलब जो आपको आपके गार्बेज का एक पूरा ट्रैश ऐसा बना हुआ दिखता है ना लंप, इस तरीके से इनको कलेक्ट किया जाता है। इस कलेक्टेड वेस्ट में से कितना ट्रीट करते हो पता है आपको? 1/4, 11.9 मिलियन टन। और टोटल डंप जो है लैंडफिल्स में वो कितना है? 31 मिलियन टन। तो ये कुछ स्टैटिस्टिक्स थे। और ये देखो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मैंने आपके लिए डाटा भी निकाला है यहां पे अलग से। इन्होंने दिल्ली को, ये देखो आप ध्यान से, डेली वेस्ट जनरेटेड 10,500 मेट्रिक टन, आ रही बात समझ में? इसीलिए दिल्ली का गाजीपुर एरिया इतना ज्यादा प्रोमिनेंट है, और आप इसको कोट करोगे तो आपको नंबर भी मिलेंगे। नाउ अब क्लासिफिकेशन देखते हैं सॉलिड वेस्ट का बेस्ड ऑन इट्स ओरिजिन। जैसे मैंने बताया डोमेस्टिक हो सकता है, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, कंस्ट्रक्शन या इंस्टीट्यूशनल, या बेस्ड ऑन इट्स कंटेंट, ऑर्गेनिक मटेरियल हो सकता है, ग्लास हो सकता है, प्लास्टिक, पेपर, मेटल, मैंने आपको बताया मेटल जैसे लेड, कैडमियम। बेस्ड ऑन इट्स हजार्ड पोटेंशियल, हो सकता है टॉक्सिक हो सकता है नॉन टॉक्सिक हो सकता है फ्लेमेबल हो सकता है रेडियो एक्टिव हो या हो सकता है इन्फेक्शियस हो। अब जल्दी से देख लेते हैं कि ऑर्गेनिक वेस्ट और इनऑर्गेनिक वेस्ट क्या होते हैं। ऑर्गेनिक वेस्ट क्या होता है? जो बायोडिग्रेडेबल हो। किस तरीके से बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता समझते हैं हम कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या कोई अदर लिविंग बींग्स जो है वो इसको डिसइंटीग्रेट कर दें, मीथेन, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर कुछ अलग प्रोसेसेस से जैसे कंपोस्टिंग हो गया, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, फर्मेंटेशन, इन प्रोसेसेस से इसको डिसइंटीग्रेट कर दें। फिर कुछ होते हैं इनऑर्गेनिक वेस्ट जैसे सिंथेटिक्स हो गए, डस्ट हो गए, ग्लासेस, सैंड, जिनको हम डिसइंटीग्रेट नहीं कर सकते। फिर बात करते हैं ई वेस्ट और सॉलिड वेस्ट। अब ई वेस्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है, जैसे आपका मैंने बताया ना कीबोर्ड हो गया, तो वो वेस्ट कब बन जाता है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट आपका? जब वो नॉन इसेंशियल हो जाता है, रिडंडेंट हो जाता है, तो या फिर उसकी जो लाइफ है वो कंप्लीट हो चुकी हो। और वैसे ही सॉलिड वेस्ट तो हमने पढ़ ही लिया। तो अब चलते हैं आगे सॉलिड वेस्ट एंड पॉल्यूशन। सॉलिड वेस्ट जो है वो पूरे एरिया में जहां भी उसको आप डंप करते हो वो पॉल्यूशन क्रिएट करता है एनवायरमेंट में। अनट्रीटेड सॉलिड वेस्ट जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस को भी एमिट करता है, और अगर वो सॉलिड वेस्ट जल गया तो इट एमिट टॉक्सिक फ्यूम्स एंड पार्टिकुलेट मैटर। इसी के साथ साथ बारिश आती है तो फ्लड के साथ रन ऑफ होता है, पॉल्यूशन फैलता है। इसी के पास साथ वो ग्राउंड वाटर को कंटेमिनेट करता है, वहां पे जो केमिकल ऑर्गेनिक कंपोजिशन है वो लीच आउट होते हैं। तो इन ऑल वहां के आसपास रहने वाले लोगों के लिए आप एक डिजास्टर क्रिएट कर रहे हो, अभी तक आप ये समझ गए होंगे। तो फिर अब करें क्या? तो उसका ट्रीटमेंट करो, उसको डिस्पोज करो। ठीक है, कैसे करें? सबसे पहले देखते हैं कि ओपन डंप्स क्या होते हैं। बेसिकली ओपन डंप का मतलब होता है अनकवर्ड एरियाज, जो अपने अभी दिल्ली का गाजीपुर एरिया देखा, जहां पे कि सॉलिड वेस्ट को डंप किया जाता है, सारे ही तरीके के सॉलिड वेस्ट को। ये सॉलिड वेस्ट जो है वो अनट्रीटेड रहते हैं, अनकवर्ड रहते हैं, और इनको सेग्रीगेट भी नहीं किया जाता है। अब दोस्तों क्योंकि ओपन डंप रहता है तो यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे फ्लाइज आते हैं, यहाँ पे मॉस्किटोज आते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं, और ये फर्दर क्या देते हैं आपको? डिजीज। और जैसा मैंने बताया जब यहाँ पे बारिश होगी तो क्या होगा, रन ऑफ के साथ में यहाँ के जो गंदे केमिकल्स हैं और भी जो यहाँ पे इंसेक्ट्स पहले कम होते हैं वो और ज्यादा बढ़ेंगे और डिजीजेस बढ़ाएंगे। दूसरा होता है लैंडफिल। अब ये लैंडफिल में क्या होता है दोस्तों, बेसिकली अर्बन एरिया में ज्यादातर देखने को मिलता है। इसमें हम लोग एक पिट, एक गड्ढा खोद देते हैं, उस गड्ढे में हम लोग सारा गार्बेज डंप करते हैं और उसको बार बार रोजाना हम सॉइल से कवर कर देते हैं। इससे क्या होता है कि जो फ्लाइज और रैट्स इस ओपन वाले डंप में आते थे अब इस वाले में नहीं आएंगे, और जब वो लैंडफिल पूरी हो जाती है तो उस एरिया को हम थिक लेयर ऑफ मड या किसी से भी पूरा फिल कर देते हैं और उसको ग्राउंड, उसको पार्किंग लॉट में या पार्क में हम तब्दील कर सकते हैं। अब यहां पे भी एक दिक्कत है क्योंकि हम जो हमारा गार्बेज है उसको लैंड में हम लोग डंप कर रहे हैं, तो जब पानी आएगा पानी नीचे परकोलेट होगा तो लैंड से जाते हुए वो गंदे केमिकल्स और नीचे ले जाएगा, तो हमारा जो ग्राउंड वाटर है उसको पॉल्यूट कर देगा, तो ये इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तीसरा होता है सैनिटरी लैंडफिल। अब सैनिटरी लैंडफिल में लैंडफिल की दिक्कत को दूर कर दिया गया। जैसे मैंने आपको बताया कि लैंडफिल में क्या हो रहा था दोस्त, आपने गड्ढा खोदा, उस गड्ढे के नीचे पूरा गार्बेज डंप कर दिया, जब बारिश आएगी तो इस गार्बेज से जो गंदे केमिकल से पानी नीचे परकोलेट कर देगा और ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट कर देगा। तो इन्होंने क्या करा सैनिटरी लैंडफिल्स में, ये हाइजीनिक बोलते हैं इसको, ठीक है, और मेथोडोलॉजिकल मैनर में यहां पे लाइनिंग कर दी। अब लाइनिंग ऐसे मटेरियल से कर दी जो कि इस पानी को नीचे परकुलेट होने में रोक देता है, तो हमारा ग्राउंड वाटर जो है वो पॉल्यूटेड नहीं होगा सैनिटरी लैंडफिल के बाद में। तो ये तीनों प्रोसेस थी, ये हमने कंप्लीट कर ली। चलते हैं फोर्थ पे, इंसिनरेशन प्लांट्स पे। उससे पहले मैं आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा भी देता हूं। देखो इस तरीके से होती है साइंटिफिक लैंडफिल। देखो यहाँ पे वेस्ट जो है वो ट्रीट हो रहा है ड्यूरिंग डिस्पोजल,
यहाँ पे पॉल्यूटेंट्स जो है अंडरग्राउंड नहीं जाने दे रहे, क्योंकि एक्सट्रैक्शन जो है मीथेन गैस का वो भी हम यहीं से कर लेते हैं इस तरीके से। दूसरी होती है इंसिनरेशन प्लांट्स, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ पिक्टोरियल ग्राफ। देखो बेसिकली जैसे ही आपको बॉयलर दिखा आप समझ गए होगे कि यहाँ पे आपका वेस्ट जो है वो जलने वाला है। फर्नेस में जब आप अपने वेस्ट को बर्न करते हो बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे, इसी को इंसिनरेशन बोलते हैं। बेसिकली इंसिनरेशन प्लांट में दो चीजें होती हैं, रिसाइक्लेबल मटेरियल जो होता है उसको अलग कर लिया जाता है और बाकी मटेरियल को जला दिया जाता है। इस मटेरियल को जला लेने के बाद में ऐश निकाल ली जाती है, मगर इसमें भी अपनी खुद की एक प्रॉब्लम है। ऐसा बोला जाता है कि यहां पे आप जो बर्न करते हो इसमें से बहुत सारा जो आपका वेस्ट रहता है वो रिसाइक्लेबल रहता है, रिसाइक्लेबल मटेरियल जो है उसको भी हम बर्न आउट कर देते हैं। अब इसमें अलग प्रॉब्लम होती है, क्या होता है दोस्तों कि जब हम इस गार्बेज को बर्न करते हैं तो यहां से जो टॉक्सिक ऐश है वो निकलती है, इसके अलावा बहुत से पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो निकल जाते हैं। तो फर्दर आपको पता ही है ये ग्रीन हाउस गैसेस और हमारे ग्लोबल वार्मिंग को और ज्यादा बढ़ाते हैं, तो इस तरीके से इसमें प्रॉब्लम्स होती हैं। अब इसमें प्रॉब्लम थी तो इसको पायरोलिसिस ने सही कर दिया। अब पायरोलिसिस क्या होता है? बेसिकली पायरोलिसिस ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें होता तो कंबशन ही है, मगर ये कंबशन कैसे होता है? इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और यही सवाल यूपीएससी आपसे पूछेगा कि पायरोलिसिस में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में कंबशन होता है क्या? तो आपको लगाना है हाँ। ये अल्टरनेटिव है क्या इंसिनरेशन का? आपको लगाना है हाँ। पायरोलिसिस में क्या होता है? पायरोलिसिस में जो कार्बोनेशियस वेस्ट होता है, अब कार्बोनेशियस वेस्ट क्या होता है? जैसे आपका फायरवुड हो गया, जैसे आपका कोकोनट वेस्ट हो गया, जैसे आपका कैशू सेल हो गए, राइस हस्क हो गया, जब इन सबको जलाते हो तो आपको पता है क्या मिलता है? आपको मिलता है चारकोल। चारकोल के अलावा और भी बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे तार हो गया, जैसे मिथाइल अल्कोहल हो गया, जिसको हम फर्दर यूज कर सकते हैं। देखो पायरोलिसिस ऐसे होता है, प्रिपरेशन फॉर पायरोलिसिस आपको दिख रहा है, यहां पे रहता है आपका कंबशन चेम्बर, यहां से अगेन एयर दोगे आप, ये रहा आपका रिएक्टर और ये देखो ये रहा आपका चार कलेक्टर, ठीक है? इस तरीके से पायरोलिसिस की प्रोसेस होगी। अब बात करते हैं अगली कंपोस्टिंग की, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। कंपोस्टिंग क्या होता है? बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है। कैसी होती है? जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं? फंजाई और बैक्टीरिया, क्योंकि यही डिकम्पोजर्स होते हैं। क्या करते हैं? ये ऑर्गेनिक वेस्ट को डिग्रेड कर देते हैं इनटू ह्यूमस लाइक सब्सटेंस, और ये क्या होता है? ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। ध्यान रखना, जैसे ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हुआ, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया को ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है जब वो डिग्रेड करते हैं। फिर कंपोस्टिंग का क्या एडवांटेज है? क्योंकि इसका जो एंड प्रोडक्ट निकलता है दोस्तों वो निकलती है सॉइल। अब वो जो सॉइल रहती है वो नाइट्रोजन और कार्बन में सफिशियंट रहती है, एम्पल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन सफिशियंट कार्बन प्रेजेंट रहता है। और अगर कोई ऐसी सॉइल है तो उससे आप क्या कर सकते हो? उससे आप प्लांट्स उगा सकते हो। तो देखो इस तरीके से होता है आपका कंपोस्टिंग, या आप ऐसे डाल देते हो और ऐसी सॉइल मिल जाती है। अगला है वर्मी कल्चर। अब जिसके दिल नाजुक हैं वो इस चीज को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि वर्मी कल्चर बेसिकली होता है अर्थ वॉर्म की फार्मिंग। इस मेथड में क्या करा जाता है कि अर्थ वॉर्म जो है उनको कंपोस्ट में, जो हमने ये अभी देखा था, इसमें ऐड कर दिया जाता है अर्थ वॉर्म्स को। ये अर्थवर्म क्या करते हैं? वेस्ट को ब्रेक कर देते हैं एंड द एडल्ट एक्सक्रीट ऑफ द वर्म्स मेक्स द कंपोस्ट वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट्स, जिसको फर्दर हम प्लांट्स डेवलप करने में, और ये बहुत ही ज्यादा क्लीन चीप और सेफ होते हैं। अगला है बायो रेमेडिएशन। बायो रेमेडिएशन हम बहुत अच्छी तरीके से ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आई होप आपने वीडियो देख लिया होगा जिसमें हमने बायो रेमेडिएशन बहुत इलेबोरेटली उसके इन साइटू एक्स साइटू जितनी भी प्रोसेसेस है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सब डिस्कस किए हुए। अगला पढ़ते हैं फाइटो रेमेडिएशन। फाइटो रेमेडिएशन में बेसिकली प्लांट्स का यूज किया जाता है सॉइल और वाटर में से कंटेमिनेंट्स निकालने के लिए। अब इसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे फाइटो एक्सट्रैक्शन, जिसको कि फाइटो एक्यूमुलेशन भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों? ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो प्लांट होता है वो प्लांट कंटेमिनेंट्स को एक्यूमुलेट कर लेता है, किसमें? इसकी रूट्स में, या फिर इसकी शूट्स में, या फिर इसकी लीव्स में। फिर एक होता है फाइटो फिल्ट्रेशन। देखो नाम से समझ में आ रहा है ये फिल्टर करेगा किसी ना किसी चीज को, और यहां पे किसको करेगा? ये यहां पे कंटेमिनेंट्स को। इसके बाद में होता है फाइटो स्टिम्युलेशन। इसमें जो ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स रहते हैं ना वो रूट नोड्यूल्स ले लेता है और इसको ट्रांसफॉर्म किसमें कर देता है? मोर स्टेबल, लेस टॉक्सिक एंड लेस मोबाइल फॉर्म में। इसके बाद एक होता है फाइटो स्टेबिलाईजेशन। अब फाइटो स्टेबिलाईजेशन क्या होता है? इन विच प्लांट रिड्यूस द मोबिलिटी, मतलब जो मूवमेंट है कंटेमिनेंट्स का वो रोक देते हैं, माइग्रेशन रोक देते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं फाइटो स्टेबिलाईजेशन। फिर एक होता है देखो फाइटो डिग्रेडेशन। यहां पे प्लांट को यूज किया जाता है ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स को अगेन डिस्ट्रॉय करने के लिए, और यहां पे हेल्प ली जाती है राइजोस्फेयर की। इसी कारण से फाइटो डिग्रेडेशन को राइजो डिग्रेडेशन भी बोला जाता है। और ये जो एक्टिविटी है ये प्रेजेंस ड्यू टू इट हैपन्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स,
प्रोड्यूस बाय द प्लांट्स और बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, ईस्ट एंड फंगाई। और इन सब की अभी हमने जो बात करी, इनको जनरली बोला जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रोचेस। फिर फाइटो रिमेडिएशन के बाद में आते हैं माइक्रो रेमेडिएशन और माइक्रो फिल्ट्रेशन। अब हम इनको समझ लेते हैं। ये है माइक्रो रेमेडिएशन। देखो दोस्त, इसमें क्या होता है, सबसे पहले ध्यान रखना, फंगस या फिर फंजाई का यूज होता है टू डीकंटेमिनेट द एरिया, और इसके थ्रू जो टॉक्सिक वेस्ट है उसको फिल्टर कर लिया जाता है। अब बात करते हैं माइक्रो फिल्ट्रेशन की। ये भी सिमिलर प्रोसेस होती है जिसमें फंगल माइसेलिया जो है उसका यूज करके टॉक्सिक वेस्ट को फिल्टर कर लिया जाता है। दोस्तों अगेन बता रहा हूं, हमको इसमें पीएचडी नहीं करनी है, सिर्फ इतना सा अगर एक एक लाइन का भी डिफरेंस पता है, इट इज मोर देन इनफ। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ऑल्सो यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट यू कैन हैव अ फ्रूटफुल डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक। इन दी एंड कीप शाइनिंग, हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर हियरिंग अस।